डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवदीप गोयल, नवदीप हेयर क्लिनिक पानीपत से, MBBS DNB। आज हमने जो पेशेंट किया है ट्रांसप्लांट का, लेकिन इससे भी पहले आज हम एक दूसरे पेशेंट की बात करेंगे। आपसे पहले वो लेडीज़ नहीं आई थी जो उन्होंने कहीं से ट्रांसप्लांट करवाया था। ट्रांसप्लांट आपको मालूम है सारी कहानी उनकी? आप थे उस टाइम पर? नहीं, आप नहीं थे। अच्छा, उन्होंने कहीं से ट्रांसप्लांट करवाया था ऐसे ही किसी क्लिनिक में। 30,000 रुपये खर्चा दिया, मतलब थोड़ा सा उनका हेयरलाइन था, इतना सा उनका हेयरलाइन करना था आगे आगे का। 30,000 रुपये खर्चा दिया उन्होंने वहाँ पे। वो बोली कि उसके बाद में डॉक्टर बीच में आया ही नहीं, बस बीच में एक बार पूछने के लिए आया था, ऐसे हाथ लगा के बोलता है कि दर्द तो नहीं हो रहा। वो बोली दर्द नहीं हो रहा, बस वापस चला गया। सारा काम कहती, तीन लड़के आए थे, तीन लड़कों ने सारा काम किया। कहते बस एक लड़का 16-17 साल का लग रहा था, बाकी भी दो ऐसे 20-21 बस इसी के आसपास लग रहे थे, बस कुछ नहीं। कहती कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, तीन लड़के आए सारा काम करके चले गए। कहती बाद में ये हो गया, अब ये बताओ सर मैं क्या करूं। मैं पूछा आपने पैसा तो पूरा दिया था? कहती हाँ पैसा तो पूरा दिया था। मैंने कहा फिर ऐसे क्यों कराया, डॉक्टर से क्यों नहीं कराया? भाई जब डॉक्टर था वहाँ पे तो डॉक्टर से करवाना चाहिए था। आप जो पैसा देते हैं वो किस लिए देते हैं? डॉक्टर के लिए देते हैं, स्टाफ के लिए देते हैं? डॉक्टर के लिए देते हैं। तो फिर ये काम, एटलीस्ट दो काम इसमें मेन होते हैं, एक तो छेद बनाना, ठीक है ना, और एक बाल निकालना। ये दो काम आप कहीं भी जाएं ध्यान रखें कि सिर्फ डॉक्टर ही करे। बाकी का काम बाल निकला रहेगा, छेद बना रहेगा, कोई भी कर सकता है, नहीं तो जैसे वो लेडी आई थी वैसे ही फंस जाएंगे, बस फिर घूमते रहेंगे यहाँ से वहाँ। अब इसको देखिए सर, इसको देखिए, उसको क्या करेगा उसका, मतलब रिपेयर बहुत मुश्किल होता है इसका। रिपेयर करने लायक कहाँ से रहेगा? जो बाल लग गया वो निकाल नहीं सकते हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? डोनर एरिया ख़त्म हो जाएगा, डोनर एरिया ख़त्म हो जाएगा, प्लस जो बाल लग गया वो भी नहीं निकाल सकते ना। ना तो इनका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ना आप इसको निकाल सकते हो। ये तो जो लग गया सो लग गया, ये तो आपको इस पूरी उम्र झेलना पड़ेगा फिर आपको। ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मैं? और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा रहा। कहाँ से आए हैं? पश्चिम चंपारण बेतिया जिला बिहार। चंपारण बिहार से। कोई दिक्कत आई हो आपको ट्रांसप्लांट में? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। कितना टाइम लगा आपके ट्रांसप्लांट में? लगभग 5-6 घंटा। 5-6 घंटा लगा? चलो 4 घंटा लगा। हाँ ठीक है, भाई इतना ही लगता है, 4 घंटा ही लगता है हमारे यहाँ पे नॉर्मली। कभी कभी 5-6 घंटा भी लग जाता है, बट यही टाइम रहता है। बस ये वीडियो बनाने का मकसद यही था दोस्तों, क्योंकि आज एक नई घटना हुई थी तो मेरे जस्ट माइंड में थी। मैंने कहा आपको ये मैसेज कन्वे कर दूँ कि कहीं भी कराइए, क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कराइए, जिसके नाम पे जा रहे हैं उसी से कराइए, झोला छाप से मत कराइए। जो MBBS भी नहीं है उसको तो हाथ भी मत लगाने दीजिए। आप कहीं भी जा रहे हैं, पैसे सिर्फ डॉक्टर से करवाने के ही दे रहे हैं, नहीं तो आप पैसे किसी मतलब 10वीं फेल 12वीं फेल से करवाने के आप नहीं दे रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। 10वीं फेल 12वीं फेल के 30,000 रुपये देने की क्या ज़रूरत थी? 8-10 हज़ार में करने लगे हुए हैं पानीपत में। इतने क्लिनिक यहाँ खोल के बैठे हैं लोग, मंडी लगी है, सब्जी मंडी लगी है, मतलब 8,000-10,000 दो आप जाओगे ना उनकी क्लिनिक में, वो 15,000 से शुरू करेगा जाती है सबसे पहले। जब तक आप बाहर आओगे, ऑफ़र है, डिस्काउंट है, ये है वो है, दिवाली ऑफ़र, न्यू ईयर ऑफ़र, गर्मी ऑफ़र, सर्दी ऑफ़र, सब मिला मिलू के 8-10 हज़ार के बीच में ख़त्म। वो क्या चाह रहा है टेक्नीशियन का? वो बेचारा 10वीं फेल है, उसको जो मिल रहा है सही है, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है उसको? बट एक डॉक्टर बनने के लिए पहले MBBS करनी पड़ती है, फिर MD करनी पड़ती है, MD या DNB करनी पड़ती है। पहले MBBS में 5.5 साल, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 3 साल वो लग गए, बीच में 1-2 साल वेस्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर कहीं प्रैक्टिस करता है, फिर बाद में अब जाके अपना हॉस्पिटल खोलता है, फिर धीरे धीरे करके वो हॉस्पिटल चलता है। अब मेरी एज 44 हो गई है, मतलब आसान काम नहीं है, जल्दी काम नहीं है ये। बट टेक्नीशियन का क्या है? कुछ भी नहीं, 8वीं की 10वीं की या 12वीं की जिसमें फेल हुए उसको 6 महीने यहाँ देखा, 6 महीने वहाँ देखा, खोल के बैठ के कहीं पर झोला छाप क्लिनिक। इंडिया में तो ये चलता है, खूब झोला छाप क्लिनिक खूब चलते हैं, और लोग फिर बोलते हैं डॉक्टर ने ख़राब कर दिया। डॉक्टर ने ख़राब नहीं किया, तुमने खुद ख़राब करवाया है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अब अगर बोलेगी आकर के कि डॉक्टर ने ख़राब कर दिया, तो मैं तो नहीं मानूंगा डॉक्टर ने ख़राब कर दिया। डॉक्टर ने जब किया ही नहीं है आपका, आप कैसे कह सकते हो कि डॉक्टर ने ख़राब कर दिया? अगर आप डॉक्टर से करवाते फिर ख़राब होता ही नहीं आपका। जिस बंदे ने MD की है, MBBS की है, इतने साल लगा दिए हैं, उसके बाद इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा है बंदा, कैसे फेल हो जाएगा वो बंदा? फेल ही नहीं होगा बंदा वो। लेकिन आपने गए डॉक्टर के पास में करवाया तो है नहीं उससे, आप नाम सुन के गए थे, वो तो आया नहीं वहाँ पे, उसने तो किया ही नहीं, उसने तो वहाँ पे जब किया ही नहीं तो फेल कैसे? तो डॉक्टर तो फेल हुआ ही नहीं, फेल तो आप हुए हो। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? चलो दोस्तों, यही मैसेज था आज का। थैंक यू, धन्यवाद।